आज हम बात करेंगे हेमेटोपोइसिस की, जिसे हेमोपोइसिस भी कहते हैं, जिसे हम सिंपली रूप में कहते हैं ब्लड सेल का फॉर्मेशन। ब्लड सेल्स में तीन तरह के ब्लड सेल्स, आरबीसी का फॉर्मेशन जिसे इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन ल्यूकोपोइसिस और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। इन तीनों के फॉर्मेशंस को हम लोग कंबाइंड रूप से कहते हैं हेमेटोपोइसिस और हेमोपोइसिस, यानी कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन। ब्लड सेल का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होता है। रेड बोन मेरो मुख्य रूप से बड़े सॉफ्ट नेटवर्क ऑफ द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि वाइट ब्लड कैपिलरी के साइड में होता है, जिसे हम ब्लड सिनुसॉइड कहते हैं, से बना होता है। इस नेटवर्क में इमैच्योर ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस, फैट सेल्स और रेटिकुलर सेल्स, मतलब वो रेटिकुलर सेल्स जो कि फाइबर्स को भी सिक्रीट करते हैं, का सिंथेसिस होता है। यदि हम बात करें एडल्ट में, तो रेड मेरो मुख्य रूप से बोन ऑफ द एक्सियल एस्केलेटन में और गर्डल में और प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस ऑफ द ह्यूमर और फीमर में पाया जाता है। हर एक टाइप के ब्लड सेल्स के प्रोडक्शंस के लिए एक खास तरह का रिस्पांस होता है। जब हम कमिटेड करते हैं कि एक खास तरह का ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स बनेगा, तो कमिटेड करने के बाद वही सेल्स बनेगा। इसका मतलब कि तीनों सेल्स की फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल सेम है। तीनों सेल्स हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बने होते हैं, जिसे हेमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं। सेम तरह के सेल से ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। इन तीनों के पूर्वज कहें एक तरह से, तो वो सेम होंगे। लेकिन एक बार कमिटेड करने के बाद कि यदि हेमेटोसाइट्स कमिटेड करके प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बन जाए, तो फिर उससे आरबीसी ही बनेगा। यदि हेमेटोसाइट्स कमिटेड करके मेलोइड स्टीम सेल्स या लिम्फोइड स्टीम सेल बने, तो फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी ही बनेगा। और यदि हेमेसाइटोब्लास्ट कमिटेड करके मेगा कार्डियोब्लास्ट बन जाए, तो उसके बाद प्लेटलेट्स ही बनेगा। मतलब कमिटेड सेल, ये कमिटेड सेल्स जब बन जाता है मेन सेल से, तो फिर वो एक पार्टिकुलरी सेल्स बनता है। तो यहाँ पर उसको भी हम पढ़ेंगे कि हर एक सेल्स का कमिटेड सेल्स कैसे बनता है। कमिटेड सेल बनने के लिए जरूरी होता है कुछ स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स, जो हेमेटोसाइटोब्लास्ट को या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को एक खास तरह के कमिटेड सेल्स में कन्वर्ट करता है, जिस कारण से वो एक खास तरह का ब्लड सेल्स बनता है। जैसे आरबीसी का कमिटेड सेल, यदि आरबीसी की कमी होगी तो जो हार्मोन्स या जो केमिकल्स रिलीज होंगे, वो एक खास तरह के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे स्टेम सेल्स पे, और उससे एक खास तरह का कमिटेड सेल बनेगा। वो कमिटेड सेल आरबीसी का होगा। वही चीज डब्ल्यूबीसी के लिए और प्लेटलेट्स के लिए भी मान्य होगा। तो यहां हम देखेंगे कि एक बार यदि मैच्योर ब्लड सेल्स बनता है, तो वो थिन वॉल ब्लड और ब्लड सिनुसॉइड से निकलकर
चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में और फिर वहां पर अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं इरिथ्रोपोइसिस को, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम देखते हैं आरबीसी के प्रोडक्शंस में, तो सबसे पहले देखेंगे आरबीसी का प्रोडक्शंस। आरबीसी के प्रोडक्शंस में जो सबसे पहला सेल्स आएगा स्टीम सेल्स, वो बिल्कुल वही होगा जिसे हम कहेंगे हेमोसाइटोब्लास्ट या हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल्स। स्टीम सेल्स जब इसमें कोई स्टिमुलेशंस आएगा, आरबीसी की कमी होगी या हम कहें कि ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होगी आरबीसी की, उस वक्त इस स्टीम सेल्स में एक खास रिसेप्टर पर खास तरह का हार्मोन्स, जिसे ईपीओ भी कहा गया है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स, या खास तरह के केमिकल्स स्टिमुलेट करेंगे और खास तरह के कमिटेड सेल। तो आरबीसी में जो कमिटेड सेल बनता है वो है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनने के बाद फिर वो डब्ल्यूबीसी नहीं बन सकता, प्लेटलेट्स नहीं बन सकता। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनने के बाद वो आरबीसी ही बनेगा, क्योंकि एक खास तरह का हार्मोन ने स्टीम सेल्स को स्टिमुलेट किया है। तो इरिथ्रोपोइसिस में हम देखेंगे कि स्टेजेस में पहले मेलोइड स्टीम सेल्स प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो बेसोफिलिक पॉलीक्रोमेटिक ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट बनते हुए रेटिकुलोसाइट्स बनता है और फिर वो रेटिकुलोसाइट्स बन के दो दिन में मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। तो मेलोइड स्टीम सेल्स में क्या क्या चीजें बनेगी, पहला होगा कि राइबोसोम्स का सिंथेसिस होगा, एक फेज वो आएगा। दूसरा फेज आएगा जिसमें हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा और आयरन का एक्युमुलेशन होगा। और तीसरा आएगा इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस और रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन, जिसे यंग आरबीसी भी कहते हैं। यह यंग आरबीसी बिना किसी न्यूक्लियस के ब्लड में रिलीज होगा और फिर ये रेटिकुलोसाइट्स के अंदर राइबोसोम का डिग्रेडेशन होके इरिथ्रोसाइट्स बनता है। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। इस फिगर में सबसे पहले स्टीम सेल्स, स्टीम सेल्स जब इसे खास तरह का हार्मोन, जिसमें मुख्य रूप से ईपीओ होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि किडनी से बनता है, किडनी में बनता है, कुछ अमाउंट लीवर में भी बनता है, लेकिन मुख्य रूप से किडनी में ही ईपीओ का सिंथेसिस होता है, और कुछ स्टिमुलेशन से ये स्टीम सेल कमिटेड होके आरबीसी बनाने के लिए प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। यहां हम जब देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ ये स्ट्रक्चर यदि देखते हैं तो इसका जो कलर देखते हैं, कलर ये ब्लू कलर का दिखेगा आपको। फिर डेवलपमेंट फेज में देखेंगे कि ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, जिसमें राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। जी हाँ, जब कमिटेड सेल जब डेवलप करने लगता है तो सबसे पहले अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा और जिसमें कि राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। इसे हम फेज वन भी कहते हैं, इसके डेवलपमेंट पाथवे के फेज वन के नाम से भी जानते हैं। फेज वन में राइबोसोम का सिंथेसिस। जब अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, जिसे हम बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, लेट इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, तो आप इसके फिगर को अच्छी तरीके से देखिएगा तो न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होते हुए दिखेगा और इसके चारों तरफ पिंक कलर का एक लेयर दिखेगा। ये लेयर है हीमोग्लोबिन का बनना। ये फेज टू यहां से स्टार्ट होता है। फेज टू में हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन होता है।
ब्लड ब्लड में जो आयरन है उस आयरन को अपटेक करके हीमोग्लोबिन बनता है, और इस हीमोग्लोबिन को धीरे धीरे लेट एरिथ्रोब्लास्ट में एक्युमुलेशन होने लगता है। तो यहाँ से हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है आरबीसी के अंदर। अब देखोगे धीरे धीरे ये हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, और जब ये 35% मतलब 35% से ज्यादा हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन हो गया, 35% से ज्यादा यदि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो उसी वक्त, सॉरी 35 नहीं 34%, माफ कीजिएगा, यदि हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन लगभग 34% हो गया है, तो उसी वक्त इसके जितने भी ऑर्गेनलीज हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये जो फेज है इसको कहते हैं नॉर्मोब्लास्ट। तो नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है, छोटा होता है यहाँ पे, और नॉर्मोब्लास्ट में जब 34% तक हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो इसके अंदर का जो भी ऑर्गेनलीज है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, और ये बनेगा रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो है इसका कलर देखोगे तो अब ये पिंक कलर का हो गया है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन आ चुका है। रेटिकुलोसाइट्स के अंदर आपको राइबोसोम्स भी दिखेंगे, जो कि हल्के हल्के कलर में, ब्लू स्टेन कलर के राइबोसोम्स में अभी भी इसमें नजर आएंगे। आप यदि देखो इरिथ्रोब्लास्ट में तो पूरा का पूरा ब्लू कलर है, जो कि इंडिकेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स को। तो यहाँ राइबोसोम्स बनता है, यहाँ आपको पिंक कलर स्टार्ट हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन को दर्शाता है कि अब इसमें हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन होने लगा है। यहाँ पे पिंक कलर बढ़ता चला जाता है, और न्यूक्लियस का साइज छोटा होता जाता है, और जो भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और रेटिकुलोसाइट्स में लास्ट में सिर्फ बचता है थोड़ा बहुत राइबोसोम्स, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको देख सकते हो कि राइबोसोम का इसमें दिख रहा है ब्लू कलर का। अब इस रेटिकुलोसाइट्स को ब्लड में रिलीज किया जाता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो राइबोसोम का डिग्रेडेट करते हैं, और इस रेटिकुलोसाइट्स को, जिसे कि हम लोग यंग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, को इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट करता है। इस रेटिकुलोसाइट्स का ही स्ट्रक्चर यदि आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर लगभग बाइकॉनकेव जैसा हो जाता है, और इरिथ्रोसाइट में ये स्ट्रक्चर और बढ़िया तरीके से बाइकॉनकेव शेप ले लेता है। मतलब राइबोसोम रेटिकुलोसाइट्स में होता है और इरिथ्रोसाइट में राइबोसोम्स नहीं होता है, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स में का राइबोसोम जब डिग्रेडेट हो जाएगा उसके बाद ही इरिथ्रोसाइट बनेगा, जिसे हम कहते हैं मैच्योर इरिथ्रोसाइट। तो 2 दिन लगते हैं रेटिकुलोसाइट्स को इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होने में, और लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट होने में, 3 से 5 दिन का समय। तो यहां हमने देखा कि किस तरीके से इरिथ्रोपोइसिस में हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल्स या हेमोसाइटोब्लास्ट लास्ट में इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन एक, दूसरा हीमोग्लोबिन का एक्युमुलेशन, और तीसरा इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये 3 फेज इसके डेवलपमेंट फेज माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट कैसे किया जाता है। इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करने के लिए टिश्यू हाइपोक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन का डिप्रिवेशन, ऑक्सीजन की कमी होना टिश्यू में, इस कारण से भी इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होता है। हम यदि बात करें कि हमारा आरबीसी यदि ज्यादा विस्कस हो जाए, हमारा आरबीसी यदि ज्यादा हो जाए ब्लड में, तो ब्लड की विस्कोसिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो कभी कभी एक खास केसेस में 2 मिलियन भी आरबीसी का प्रोडक्शन हो सकता है पर सेकेंड में। ये भी देखा गया है कि हिमेटोपोएटिक रेंज में देखा गया कि ब्लड जो है उसमें 2 मिलियन पर सेकेंड के हिसाब से भी प्रोडक्शन होता है कभी कभी हेल्थी मेंस में, यदि हाइपोक्सिया का कंडीशन में।
इसे कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स, आयरन, अमाइनो एसिड और काफी सारे विटामिन बी, मुख्य रूप से विटामिन B12 का रोल है। यहां हम देखेंगे रेगुलेशन इसलिए जरूरी है कि ना ज्यादा आरबीसी बने ना कम आरबीसी बने। ज्यादा आरबीसी बनेगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी ब्लड की, जिस कारण से हार्ट पे पंप करने का प्रेशर होगा, और यदि कम आरबीसी होता है तो टिश्यू हाइपोक्सिया होने का चांस होता है। इस कारण से हम इसे बैलेंस करके चलते हैं। देखते हैं पहले कि हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है इरिथ्रोपोइसिस को। ईपीओ यानी इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन या ईपीओ एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो डायरेक्ट इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, और ये मुख्य रूप से किडनी से रिलीज होता है और थोड़ा बहुत अमाउंट लीवर से भी रिलीज होता है। इरिथ्रोपोइसिन कब रिलीज होता है और इनके क्या क्या ट्रिगर करने के फैक्टर हैं? सबसे पहले इरिथ्रोपोइसिस, जब हमारे ब्लड में आरबीसी का नंबर कम हो जाता है या हेमोरेज कंडीशन में या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन में, आरबीसी का सेल्स के नंबर कम होने का दो कारण है। पहला, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना और हेमोरेज होना, मतलब ब्लड का लॉस होना। दूसरा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाना, जैसे कभी हम बहुत पहाड़ पे चढ़ते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं पहाड़ों पे, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, या किसी डिजीज कंडीशन जैसे न्यूमोनिया जैसे कंडीशंस में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा, बॉडी में कभी कभी ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। ये तब होता है जब हम कोई विगरस एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त में भी ईपीओ का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन इन तीनों चीजों पे निर्भर करता है, लेकिन हमें इस बात को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इरिथ्रोपोइटिन का जो प्रोडक्शन है वो ऑक्सीजन डिमांड्स पे डिपेंड करता है। यदि आरबीसी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो भी जाए लेकिन उस आरबीसी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता ना हो तो इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होगा। तो हम इस तरह से सोचे कि आरबीसी के नंबर बढ़ने या कम होने की अपेक्षा यदि हम ये सोचे कि इरिथ्रोपोइटिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन का कंट्रोल ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा तो ये बेहतर है, क्योंकि कभी कभी आरबीसी ज्यादा तो जरूर हो जाते हैं ब्लड में, लेकिन कुछ आरबीसी जो है उसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ओवरऑल देखा जाए आरबीसी बढ़ने के बाद भी ऑक्सीजन कैपेसिटी नहीं बढ़ी, फिर भी हमारा इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। तो आरबीसी का कंसंट्रेशन से ना रिलेट करके इसे हम ये रिलेट करें कि ऑक्सीजन डिमांड ही सबसे अच्छा मापदंड है ईपीओ के प्रोडक्शन में, तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ईपीओ का प्रोडक्शन कभी कभी किडनी फेलवर में कम हो जाता है, जिस किसी भी पेशेंट का डायलिसिस वाले पेशेंट है, रीनल डायलिसिस करवा रहे हैं, तो उनके किडनी फेलवर होने की वजह से ईपीओ का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। उस वक्त मार्केट में कुछ इंजेक्शंस आते हैं ईपीओ के लिए, वो इंजेक्शंस आते हैं ईपीओ के लिए जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ईपीओ। उस इंजेक्शंस लेने से भी आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है नॉर्मल तक, क्योंकि डायलिसिस वाले पेशेंट में किडनी प्रॉब्लम होने की वजह से उनमें ईपीओ का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इस कारण से उस रीनल फेलियर पेशेंट में आरबीसी का भी कंसंट्रेशन कम पाया जाता है। तो इसके लिए हमने रिकॉम्बिनेंट ईपीओ का आविष्कार किया है। काफी सारी कंपनियां जो है ईपीओ इंजेक्शंस को बनाती हैं, और इस कारण से भी हम उसे
आरबीसी का प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये भी देखा गया है कि इस आर्टिफिशियल ईपीओ या कहें रिकॉम्बिनेंट ईपीओ का इस्तेमाल मुख्य रूप से एथलेट्स करते हैं एब्यूज के रूप में। इसके बारे में हमने एक बार और चर्चा की थी ब्लड डोपिंग में भी, यहां फिर से चर्चा करते हैं। ईपीओ का इंजेक्शंस कभी कभी एथलीट्स लेते हैं जिसे कि बड़े बड़े इवेंट्स में बैन किया गया है, क्योंकि ईपीओ जो है 45-65% तक नॉर्मल आरबीसी के लेवल को बढ़ा दे सकता है। इससे आप समझ सकते हो कि 45-65% यदि आरबीसी इंक्रीज कर जाएगा ब्लड के अंदर, तो ब्लड की विस्कोसिटी काफी इंक्रीज करेगी। उसके बाद वो एथलीट्स किसी इवेंट्स में जैसे ओलंपिक जैसे इवेंट्स में यदि पार्टिसिपेट लेते हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब पसीने के कारण वाटर का बाहर निकले जाना मुख्य रूप से। तो डिहाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उनमें मुख्य रूप से परस्पिरेशन या पसीने का बाहर निकलना, तो ब्लड उतना ही स्टिकी थिक और स्लज हो जाएगा और इस कारण से हार्ट फेल्योर होना, स्ट्रोक आना और क्लोटिंग, क्योंकि हार्ट पे काफी प्रेशर पड़ेगा तो क्लोट भी हो सकता है, हार्ट फेल्योर होंगे। तो इस कारण से इस आर्टिफिशियल ईपीओ को बैन कर दिया गया है वैसे इवेंट्स में। दूसरा कारण होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों में ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है और महिलाओं में कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी ईपीओ के प्रोडक्शंस को बढ़ाता हुआ देखा गया है। इस कारण से हम देखेंगे कि मेल्स में आरबीसी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और हीमोग्लोबिन का भी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वुमेन्स। इसके अलावा भी कुछ वैरायटी ऑफ केमिकल्स जो कि ल्यूकोसाइट से रिलीज होते हैं, प्लेटलेट से रिलीज होते हैं, रेटिकुलर सेल से रिलीज होते हैं, ये सभी के सभी आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए देखे जाते हैं। तो यहां हम देखते हैं इस फिगर को। सबसे पहले देखते हैं हाइपोक्सिया, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिलीवरी। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाती है, इसका कारण है आरबीसी का काउंट कम होना या हीमोग्लोबिन का काउंट कम होना या ऑक्सीजन की अवेबिलिटी ही कम हो जाना, तो उस कारण से लीवर और कुछ अमाउंट में लीवर और किडनी, ये दोनों के दोनों इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करते हैं। इरिथ्रोपोइटिन मुख्य रूप से किडनी से ही रिलीज होता है, लीवर से ये थोड़े बहुत अमाउंट में रिलीज होता है, इसलिए किडनी ही इरिथ्रोपोइटिन का मुख्य स्रोत माना जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन फिर रेड बोन मेरो को स्टिमुलेट करते हुए दिखता है। जैसे ही ये रेड बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है, इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस वो बढ़ जाता है और आरबीसी का जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो अराइज होती है और फिर हमने होम्योस्टेसिस को फिर से बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग फिर से स्टिमुलेशन, फिर किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन का रिलीज होना, फिर इरिथ्रोपोइटिन का रेड बोन मेरो को स्टिमुलेट करना जिसमें हेमोसाइटोब्लास्ट नाम का स्टेम सेल होता है जो कमिटेड करता है कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बने और इरिथ्रोसाइट्स बने, फिर यहां से आरबीसी का काउंट बढ़ना और फिर वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बनाए रखना ताकि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। तो हमें इरिथ्रोपोइसिस को यदि कंट्रोल करना है तो अपने न्यूट्रिएंट्स मतलब कि रेगुलर खान पान पे भी कुछ ध्यान देना होगा। डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके लिए, हमें डाइट में अमाइनो एसिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आयरन। हमारे
शरीर में जितने भी हम आयरन को कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में, अपने भोजन में, उसका लगभग 65% जो है वो हीमोग्लोबिन, मतलब 4000 mg हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में ही चला जाता है। बाकी जो अमाउंट है वो लीवर, स्प्लीन और थोड़ा बहुत जो है बोन मैरो में भी संचित होता है, स्टोरेज के फॉर्म में होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे शरीर में आयरन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि फ्री फॉर्म का आयरन फेरस, जिसमें कि Fe2+ है, और फेरिक, जिसमें Fe3+ है, ये दोनों के दोनों टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में सेल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं जिसके साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जैसे फेरिटिन और हीमोसिड्रिन। ब्लड में भी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट, एक प्रोटीन होता है ट्रांसफेरिन, ये ट्रांसफेरिन नामक प्रोटीन जो ब्लड में होता है ये आयरन को बाइंड करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी ट्रांसफेरिन नामक प्रोटीन से RBC जो है वो कुछ अमाउंट आयरन को भी कंज्यूम करता है हीमोग्लोबिन के लिए रेड बोन मैरो में। ये प्रोसेस रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो से जब ब्लड पास करता है, चूंकि हमने देखा था रेड बोन मैरो जो है वो एक ब्लड सिनुसॉइड्स के जस्ट किनारे में होता है, तो वहां से भी वो आयरन को कंज्यूम करता है। ये प्रोसेस ब्लड, ये रेड बोन मैरो में होता है, ट्रांसफेरिन से आयरन का हीमोग्लोबिन में ट्रांसफर होना। आयरन का लॉस थोड़ा बहुत होता है डेली में, जैसे फीसेस मतलब मल त्याग यूरिन के द्वारा, और कुछ अमाउंट परस्पिरेशन मतलब पसीने से भी होता है। तो 1.7 mg ओमेंस और 0.9 mg मेंस को डेली रिक्वायरमेंट होता है इस लोड को कंपनसेट करने के लिए। इसके अलावा भी फोलिक एसिड का लेना, जिसे विटामिन B9 कहते हैं, और विटामिन B12, ये दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन दोनों से ही DNA बनता है जो कि RBC के डेवलपमेंट में बहुत योगदान देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो इरिथ्रोसाइट का डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे खाने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, और विटामिन B12 जो साइनाकोबालामाइन या मिथाइल कोबालामाइन जिसे कुछ रूपों में भी आता है, उसको लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आयरन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 65% आयरन सप्लाई होता है हीमोग्लोबिन में, मुख्य रूप से रेड बोन मैरो में, जब वहां से ब्लड पास होता है ब्लड सिनुसॉइड्स में, तो वहां से भी हीमोग्लोबिन के लिए आयरन को लिया जाता है। और इसका हमने फेज पढ़ा था कि फेज 2 में लेट इरिथ्रोब्लास्ट में आयरन का एक्युमुलेशन होता है जब इरिथ्रोसाइट बनता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग स्टॉप करते हैं अभी।